इस चैनल पर हम आपको लिए लेकर आ रहे हैं महाभारत की विशेष रोचक कहानियाँ और किस्से। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हुई पांडवों को दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति। एक बार अर्जुन उत्तराखंड के पर्वतों को पार करते हुए एक सुंदर वन में जा पहुँचे। वहाँ के सुंदर वन में वो भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर एक भील का वेश धारण कर उस वन में आए। भील रूपी शिव ने देखा कि एक दैत्य शुकर का रूप धारण कर तपस्यारत अर्जुन की घात में है। शिवजी ने उस दैत्य पर अपना बाण छोड़ दिया। जिस समय शंकर भगवान ने दैत्य को देखकर बाण छोड़ा, उसी समय अर्जुन की तपस्या टूटी और दैत्य पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने भी धनुष उठाकर उस पर बाण छोड़ दिया। शुकर को दोनों बाण एक साथ लगे और उसके प्राण निकल गए। शुकर के मर जाने पर भील रूपी शिवजी ने और अर्जुन दोनों को ही शुकर अपने बाण से मरा होने का दावा आपस में करने लगे। दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया और विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। अर्जुन बराबर भील पर बाणों की वर्षा करते रहे, किंतु उनके बाण भील के शरीर से टकरा कर टूटते रहे और भील शांत खड़े मुस्कुराते रहे। अंत में उनकी तर्कश के सारे बाण समाप्त हो गए। इस पर अर्जुन ने भील पर अपनी तलवार से आक्रमण किया। अर्जुन की तलवार भी भील के शरीर से टकरा कर दो टुकड़े हो गयी। अब अर्जुन क्रोधित होकर भील से मल्ल युद्ध करने लगे। मल्ल युद्ध में भी अर्जुन भील के प्रहार से मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा कि भील अब भी वहीं खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भील की शक्ति देखकर अर्जुन को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने भील को मारने की शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव मूर्ति पर पुष्प माला डाली, किंतु अर्जुन ने देखा कि वो माला शिव मूर्ति पर पड़ने के स्थान पर भील के गले में पड़ी है। इससे अर्जुन समझ गए कि भगवान शंकर ही भील का रूप धारण कर वहाँ उपस्थित हुए हैं। अर्जुन शंकर जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान शंकर ने अपना असली रूप धारण कर लिया और अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारी तपस्या और पराक्रम से प्रसन्न हूँ, तुम्हें पशुपतिस्त्र प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर अर्जुन को पशुपतिस्त्र प्रदान कर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वहाँ पर वरुण, यम, कुबेर, गंधर्व और इंद्र अपने अपने वाहनों पर सवार होकर आ गए। अर्जुन ने सभी देवताओं की विधिवत पूजा की। ये देखकर यमराज ने कहा कि अर्जुन, तुम नर के अवतार हो और श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं। तुम दोनों मिलकर अब पृथ्वी का भार हल्का करो। इस प्रकार सभी देवताओं ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और विभिन्न प्रकार के अलौकिक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। दोस्तों, इसके बाद अर्जुन को उर्वशी का श्राप भी मिला है, जिसकी वजह से भी अर्जुन को दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति हुई थी। आइए आपको बताते हैं वो कथा कैसे जुड़ी हुई है इस कथा से। अर्जुन के पास से अपने लोक को वापस जाते समय देवराज इंद्र ने कहा, अर्जुन, अभी तुम्हें देवताओं के अनेक कार्य संपन्न करने हैं, तुमको लेने के लिए मेरा सारथी आएगा। इसीलिए अर्जुन उसी वन में रहकर प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय के बाद उन्हें लेने के लिए इंद्र का सारथी मातली वहाँ पहुँचा और अर्जुन को विमान में बिठाकर देवराज की नगरी अमरावती ले गया। इंद्र के पास पहुँचकर अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने अर्जुन को आशीर्वाद देकर अपने निकट आसन प्रदान किया। अमरावती में रहकर अर्जुन ने देवताओं से प्राप्त हुए दिव्य और अलौकिक अस्त्र शस्त्रों की प्रयोग विधि सीखी और उन शस्त्रों को चलाने का अभ्यास करके उन पर महारत प्राप्त कर लिया। एक दिन इंद्र अर्जुन से बोले, वत्स, तुम चित्रसेन नामक गंधर्व से संगीत और नृत्य की कला सीख लो। चित्रसेन ने इंद्र का आदेश पाकर अर्जुन को संगीत और नृत्य की कला में निपुण कर दिया। एक दिन जब चित्रसेन अर्जुन को संगीत और नृत्य की शिक्षा दे रहे थे, वहाँ पर इंद्र की अप्सरा उर्वशी आ गई और अर्जुन पर मोहित हो गई। अवसर पाकर उर्वशी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आपको देखकर मेरी प्रणय जागृत हो गई है, आप कृपया मेरे साथ विहार करके मेरे प्रणय को शांत करें। उर्वशी के वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह किया, हमारे वंश का गौरव बढ़ाया, पुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अर्जुन की बातों से उर्वशी के मन में बड़ा शोभ हुआ और उसने अर्जुन से कहा कि तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक वर्ष तक पुरुषत्व विहीन रहोगे। इतना कहकर उर्वशी वहाँ से चली गई। जब इंद्र को इस घटना के बारे में पता लगा तो वो अर्जुन से बोले, वत्स, तुमने जो व्यवहार किया वो तुम्हारे योग्य ही था। उर्वशी का ये श्राप भी भगवान की इच्छा थी। ये श्राप तुम्हारे अज्ञातवास के समय काम आएगा। अपने एक वर्ष के अज्ञातवास के समय तुम पुरुषत्वहीन रहोगे और अज्ञातवास पूर्ण होने पर तुम्हें पुनः पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से अर्जुन को दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति हुई। आपको ये कथा कैसी लगी, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपकी राय और सुझाव लिखकर आप हम तक भेज सकते हैं।